आज का हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि। आज हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देवनागरी लिपि का विकास कैसा हुआ है, ठीक है, मतलब देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ है, तो सबसे पहले देखिए, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विस्तार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है, ठीक है। मतलब उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से जो भाव या विचार अभिव्यक्त किया जाता है उसको हम लोग भाषा कहते हैं, ठीक है, और लिखित वर्ण के सहायता से, ठीक है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की जो अभिव्यक्ति होती है ना, जिसके माध्यम से हम लोग अभिव्यक्त करते हैं अपना भाव या विचार को, ठीक है, मतलब लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से या सहायता से, तो उसको क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे, ठीक है। लिपि मतलब लिखावट बोलेंगे, या कोई ध्वनि मतलब कोई संकेत चिन्ह होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। तो ये जो लिपि है ये भाषा है, ठीक है, मतलब भाषा क्या होता है, श्रव्य होता है, और लिपि होता है लिखित होता है, ठीक है, मतलब भाषा को हम लोग मौखिक रूप से बोल सकते हैं और उसको जो मौखिक रूप से जो बोला जाता है उसको केवल सुन सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, श्रव्य होता है, और वो जो लिखित जो रूप होता है वो दृश्य होता है, जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो भाषा श्रव्य है और लिपि लिखित है, ठीक है, दृश्य है, ठीक है, लिपि दृश्य है। तो ये जो भारत में जितना भी लिपि है, मतलब भारत के भाषाओं में बोलेंगे, ठीक है, भारत के भाषाओं में जितनी भी लिपि का प्रयोग होता है वो लिपि, मतलब जितने भी भाषाओं में लिपि का प्रयोग होता है वो सब लिपि कौन से लिपि से विकास हुआ है या कौन से लिपि से निकला हुआ है। तो देखिए, भारत की सभी जो लिपियाँ हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकली है, ब्राह्मी लिपि से निकली है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से सब लिपि का विकास हुआ है, ठीक। उसके बाद में देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कब से शुरू हुआ है, ठीक है, ये जो ब्राह्मी लिपि जिस लिपि से सभी लिपि का उत्पत्ति हुआ है, तो उस लिपि का प्रयोग कब किया जा रहा था, वैदिक आर्यों ने शुरू किया था, ठीक है, ये जो ब्राह्मी लिपि है उसका प्रयोग देखिए वैदिक आर्यों ने शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना, ये जो ब्राह्मी लिपि जिससे प्रत्येक लिपि का उत्पत्ति हुआ है वो ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना बोलेंगे, तो 5वीं सदी BC का है, जो कि कब का है, बौद्धकालीन है, ठीक है, मतलब ये जो जो ब्राह्मी लिपि है इसका जब प्राचीनतम नमूना देखेंगे तो 5वीं सदी BC का है, जो कि बौद्धकालीन है, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए, गुप्त काल के आरंभ में, ठीक है, ये गुप्त काल इतिहास यदि पढ़ते हैं तो उसमें ये गुप्त काल और मतलब बहुत सारे काल आते हैं, ठीक है, अलग अलग राजाओं का अपना अपना मतलब नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये जो गुप्त काल था इसी के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए थे, ठीक है, ब्राह्मी के दो भेद भेद हो गए थे, इसमें से कौन कौन सा भेद, देखिए ब्राह्मी के दो भेद हो गए थे इसमें, देखिए उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, ठीक है, मतलब गुप्त काल के आरंभ में, गुप्त काल के आरंभ में ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि के दो भेद हो गए थे, कौन कौन सा, उत्तरी ब्राह्मी, ठीक है, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, ठीक। उसके बाद में फिर देखिएगा, ये जो उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, तो हम लोगों का जो ये जो देवनागरी लिपि कौन से कौन सा ब्राह्मी से हुआ है, ठीक है, कौन सा ब्राह्मी से हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे तो देखिए, गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी दो भेद हो गया है, ब्राह्मी लिपि का दो भेद हो गया है, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, ठीक है। तो दक्षिणी ब्राह्मी के अंतर्गत कौन कौन सा लिपि शामिल है, और उत्तरी हाँ दक्षिणी और उत्तरी ब्राह्मी में कौन कौन सा लिपि शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दक्षिणी ब्राह्मी से कौन कौन सा लिपि का विकास हुआ है या कौन कौन से लिपि निकला हुआ है, ठीक है। तो दक्षिणी ब्राह्मी से देखिए, दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल
ठीक है, देखिएगा आप लोग इसको। अच्छा ये छुप जा रहा है, ठीक है आप लोग ऐसा ही देखिएगा। दक्षिणी ब्राह्मी से देखिए तमिल, कलिंग, उसके बाद में फिर और क्या होता है, देखिए ये जो दक्षिणी ब्राह्मी से, ठीक है दक्षिणी, हाँ दक्षिणी ब्राह्मी से देखिए क्या क्या होता है, तमिल, ठीक है कलिंग लिपि, तमिल लिपि, कलिंग लिपि, फिर तेलुगु, कन्नड़ लिपि, फिर ग्रंथ लिपि, ये जो ग्रंथ लिपि और ये सब कहाँ है, तमिलनाडु का जो लिपि है ना, तमिलनाडु का जो तमिल भाषा होगा उसमें का लिपि है ग्रंथ लिपि, फिर मलयालम, मलयालम लिपि, ठीक है ये ग्रंथ लिपि से विकसित हुआ है, ठीक जो मलयालम, जो मलयालम बोलती हूँ, जो जो तमिल भाषा का जो लिपि है, ठीक है तमिल भाषा जो तमिलनाडु में प्रयोग होता है, ठीक है तो तमिल भाषा का जो लिपि है ग्रंथ लिपि, उसी लिपि से ये मलयालम लिपि का विकास हुआ है, ठीक है ये इतने लिपियों का इसमें विकास हुआ है। देखिए दक्षिणी ब्राह्मी में तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है ये दक्षिणी ब्राह्मी के अंतर्गत, ठीक है उसके बाद में फिर देखेंगे उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है मतलब अभी नागरी विकी नागरी नागरी लिपि का विकास हुआ है, उसके बाद में फिर देखिएगा इसी नागरी लिपि से ही क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि का भी विकास होगा, ठीक है तो सबसे पहले देखिए उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास होता है, ठीक है इसमें देखिए उत्तर ब्राह्मी, उत्तर ब्राह्मी देखिए 350 ईस्वी तक का को लिपि को क्या मतलब उत्तर ब्राह्मी, ठीक है उसके बाद में फिर गुप्त लिपि, इसका जब इसका समय कितना है, चौथी पांचवी सदी तक का, ठीक है उसके बाद में फिर सिद्ध मातृका लिपि, उसके बाद विकास हुआ, सबसे पहले उत्तर ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, उसके बाद में देखिए गुप्त लिपि का विकास हुआ चौथी पांचवी सदी में, ठीक है उसके बाद में सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ, ठीक उसके बाद में फिर देखिए सिद्ध मातृका लिपि के बाद कुटिल लिपि का विकास हुआ, ये छठवीं सदी से आठवीं नवीं सदी में, ठीक है ये सिद्ध मातृका लिपि और कुटिल लिपि का विकास छठवीं सदी से आठवीं सदी तक का, ठीक है उसके बाद में फिर आगे देखेंगे, आगे देखिए यहाँ से देखे थे हम लोग ना कुटिल लिपि तक का देखे थे, ठीक है कुटिल लिपि के बाद और दो लिपि में मतलब विकास हुआ, ठीक है ये भी दो भाग में मतलब इसका भी विकास हुआ, ठीक है इसमें है नागरी लिपि और शारदा लिपि, ठीक है नागरी लिपि और शारदा लिपि, तो देखिए नागरी लिपि और शारदा लिपि, इसी ये जो शारदा लिपि है, ठीक है शारदा लिपि है उसी में देखिए गुरु, उसमें फिर से और कौन सा लिपि का विकास हुआ है, गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी लिपि और लहंदा लिपि, ठीक है ये लहंदा लिपि का विकास हुआ, उसके बाद में फिर इधर देखेंगे नागरी लिपि, ठीक है नागरी लिपि में ही हम लोगों का ये जो देवनागरी है, ठीक है तो ये देवनागरी लिपि का नागरी लिपि से ही विकास हुआ है, ठीक है तो इस तरह से देखिए देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है तो इस विकास का जो क्रम है उसको भी याद रखना है, ठीक तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद में फिर अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो देवनागरी लिपि के बारे में हम लोग उसका क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है, उसका प्रयोग किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या और मतलब संकेत चिन्ह या संकेत अक्षर ये सब होता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे, ठीक है तो आज के लिए इतना ही।